टॉपिक, अभी तक हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स कैसे फॉर्म हो चुके थे, मेगास्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मेल गैमेट्स फॉर्म होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस में फीमेल गैमेट्स फॉर्म हो चुका था। अभी तक हम लोगों ने ये देखा था, अभी उन दोनों को मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स को अपने को पास लाना है, उनको मिलाना है बाय द पॉलिनेशन, मतलब पॉलिनेशन से। तो आज हम न्यू वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग दिस टॉपिक है द पॉलिनेशन। तो पोलन ग्रेन मींस नॉन मोटाइल एंजियोस्पर्म हैव इन्वॉल्व द स्ट्रेटजी एंड न्यू एजेंट्स, दो एजेंट्स है, बायोटिक एजेंट्स एंड अबायोटिक एजेंट्स, दो एजेंट्स है, उसके थ्रू हमें मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स को मिलाना है बाय द पोलिनेशन। तो वहाँ पे वर्ड्स अभी यहाँ पे यूज किया है पोलन ग्रेन मींस नॉन मोटाइल एंजियोस्पर्म, तो मैं हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पोलन ग्रेन पढ़ा था, तो आज हम थोड़ा सा उसको रिमाइंड कर देते हैं, ठीक है। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, देन पोलन ग्रेन कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, देन पोलन ग्रेन व्हिच इज द 25 to 50 microns है पोलन ग्रेन, ठीक है। देन कवर्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पोलन ग्रेन व्हिच इज कवर्ड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, which is covered by cellulose and pectin is called intyne. Then very resistant covered which is called exine. तो ये हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ा था पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, isn't it? Then यहाँ पे है, यहाँ पे जर्म पोर प्रेजेंट है पोलन ग्रेन में, क्या प्रेजेंट है यहाँ पे एक्साइन का जो स्ट्रक्चर है उसमें जर्म पोर प्रेजेंट है। मैंने आप लोगों को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में पढ़ाया था कि जर्म पोर्स के थ्रू वहाँ पे पोलन ट्यूब फॉर्म हो चुकी थी, ठीक है, वहाँ उसके अंदर पोलन ग्रेन में मेल गैमेट्स फॉर्म हो चुका था और वो उसको सब ट्रांसफर कर रहा था पोलन ट्यूब मेल गैमेट्स को, वो पोलन ट्यूब कहाँ से फॉर्म हो रही थी, जर्म पोर से, ठीक है। देन two cell stages, first is the generative cell, vegetative cell and generative cell, three cell stage, first is the, यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ vegetative cells, ठीक है, this one is the vegetative cells and वहाँ पे two generative cells, क्या था, generative cell कैसे cells form हुआ था, माइटोटिकली डिवीजन हुआ था, उसमें क्या हुआ था, माइटोटिकली डिवीजन हुआ था और टू जनरेटिव सेल्स फॉर्म हो चुके हैं, उसके बाद जब ये सेपरेट हो जाएंगे उसको क्या कहेंगे हम, मेल गैमेट्स, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम, मेल गैमेट्स। वैसे ही अभी ये हो गया मेल गैमेट्स यानी कि पोलन ग्रेन, अभी हम फीमेल गैमेट्स बनाते हैं, क्या बनाएंगे हम, फीमेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट्स, क्योंकि मुझे अभी पॉलिनेशन पढ़ रहे हैं हम, तो जाहिर सी बात है कि पोलन ग्रेन एंड एम्ब्रियो सैक में जो भी होगी उससे अभी उनको मिलाना है, तो हम लास्ट लेक्चर में एम्ब्रियो सैक पढ़े थे, ठीक है, दिस इज द फीमेल गैमेट फॉर्म हो चुका था उसमें, तो हम शॉर्ट में उसको एम्ब्रियो सैक बना लेते हैं, ठीक है, एम्ब्रियो सैक बना लेते हैं, तो उसमें 8 न्यूक्लियस है, ठीक है, 8 न्यूक्लियस को हम लोगों ने उसको अरेंज किया था, दिस वन इज द चलाजल एंड दिस वन इज द माइक्रोपायलर एंड, ठीक है, तो चलाजल एंड पे 3 सेल ट्रांसफर टू द 3 सेल इज कॉल्ड एंटीपोडल सेल्स, ठीक है, इसमें एंटीपोडल सेल एंड यहाँ पे ट्रांसफर टू द फीमेल गैमेट्स और ये है मेल गैमेट्स, ठीक है।
तो अभी ये जो मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक ये कहाँ पे है, ये ओवरी के अंदर है, दिस वन इज अ स्टिग्मा, ठीक है। मैं यहाँ पे स्टिग्मा स्टाइल है ओवरी बना लेते हैं, ठीक है। दिस वन इज द स्टिग्मा बल लाइक पोर्शन विच इज कॉल्ड ओवरी, बल लाइक पोर्शन विच इज कॉल्ड ओवरी, दिस वन इज द स्टिग्मा स्टाइल, ठीक है। तो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ओवरी इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, ओवरी इनसाइड द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। ओवरी के अंदर क्या था, एम्ब्रियो सैक का, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं ओव्यूल्स, दिस वन इज द लोक्यूल्स एंड यहाँ पे है प्लासेंटा, यहाँ पे क्या है प्लासेंटा। तो ओवरी के अंदर एम्ब्रियो सैक था, तो को एम्ब्रियो सैक करके फीमेल गैमेट्स हम लोगों ने बना लिए, ठीक है। तो अभी ये जो पोलन ग्रेन है, अभी ये जो पोलन ग्रेन हम लोगों ने बनाया, वो पोलन ग्रेन अभी ट्रांसफर होगा। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा, यानी कि जो पोलन ग्रेन है वो अभी कहां पे ट्रांसफर होगा, स्टिग्मा के ऊपर, यहां पे आएगा, ठीक है। दिस कंडीशन इज द पॉलिनेशन कंडीशन, लेकिन ये कौन ट्रांसफर करता है, थ्रू द टू एजेंट्स, यानी कि अबायोटिक एजेंट्स एंड बायोटिक एजेंट, ये दो एजेंट्स है वो अभी पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, बाय पॉलिनेशन। तो बायोटिक एजेंट एंड अबायोटिक एजेंट, अबायोटिक एजेंट विंड एंड वाटर, नॉन लिविंग थिंग, विंड एंड वाटर इज अ नॉन लिविंग थिंग, इसके थ्रू भी पॉलिनेशन होता है। बायोटिक एजेंट यानी कि उसमें बर्ड्स आएंगे, इंसेक्ट आएंगे, बटरफ्लाई आएंगे, सेल्स आएंगे, ये बायोटिक एजेंट यानी कि नेचुरली लिविंग थिंग्स। वो अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे फ्लावर है, फ्लावर में एंथर है, स्टिग्मा है, स्टाइलोवरी, तो एंथर के ऊपर जो भी इंसेक्ट बैठेंगे उसके थ्रू यानी कि उसके पैर पे लगेंगे या फिर उसके बॉडी के ऊपर पोलन ग्रेन लगेंगे, वो बाद में वो स्टिग्मा के पास जाएंगे, तो वो स्टिग्मा उसको रिसीव करेगा, क्या करेगा, वो स्टिग्मा उसको रिसीव करेगा, उस एंथर को, पोलन ग्रेन को, सॉरी पोलन ग्रेन को वो रिसीव करेगा। बाद में ये जो ओवरी है वो ओवरी उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि वाटर सप्लाई करेगा, ठीक है, प्रोटीन सप्लाई करेगा। उसके बाद उसकी वजह से यहाँ पे ट्यूब फॉर्म होगी, क्या होगी, ट्यूब फॉर्म होगी। ट्यूब फॉर्म होने के बाद इसके अंदर जो भी मेल गैमेट्स है वो मेल गैमेट्स इसके पोलन ट्यूब के थ्रू कहाँ तक पहुंचेगा, ओवरी तक, ठीक है। लेकिन जब वो प्रोटीन सप्लाई करता है, दोनों भी एक दूसरे की तरफ प्रोटीन सप्लाई करता है, तो वो प्रोटीन सप्लाई यानी कि यहाँ पे मैंने कल कहा था कि यहाँ पे एक फिलीफॉर्म एपरेटस था, ठीक है, फिलीफॉर्म ये जो एपरेटस है वो पोलन ट्यूब को गाइड करेगा कि अंदर की तरफ आना है या नहीं आना है। तो ये पोलन फिलीफॉर्म एपरेटस जब प्रोटीन सिक्रेट करेगा, तो ये पोलन ग्रेन जब वो भी प्रोटीन सिक्रेट करेगा, लेकिन वो सेम फ्लावर एक ही फ्लावर के है या नहीं वो वहाँ पे चेक करेगा रिसीव करने के बाद, उसके बाद वो ओवरी जो है वो उसको एक्सेप्ट करेगी। अदरवाइज वो अगर अलग दूसरे प्लांट का पोलन ग्रेन होगा, सेम फ्लावर का नहीं होगा, सेम प्लांट का नहीं होगा, तो वो जो है उसको जो वहाँ पे ओवरी है उसको वाटर सप्लाई करना बंद कर देगी, उसके बाद वो जो पोलन ग्रेन है वहीं पे डाई हो जाएगा, इजंट इट, तो वहीं पे डाई हो जाएगा। दिस कंडीशन इज ये है पॉलिनेशन, ये कंडीशन होती है पॉलिनेशन। तो उस वो डेफिनेशन देखो, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा व्हिच इज कॉल्ड पॉलिनेशन। तो ये पॉलिनेशन का स्ट्रक्चर है। तो इस पॉलिनेशन में आप लोग देखो, फॉर एग्जांपल मैं डायग्राम में डायग्रामेटिकली आपको समझा देती हूं कि पॉलिनेशन, दिस वन इज द स्टिग्मा, दिस वन इज स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, और यहां पे होता है एंथर, ठीक है, यहां पे है आपका एंथर का स्ट्रक्चर और यहां पे है पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन है, तो ये पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होगा, ये होता है पॉलिनेशन, ये है पॉलिनेशन।
पॉलिनेशन में देखो कि पॉलिनेशन में देयर आर थ्री टाइप्स, ऑटोगैमी, हेटरोगैमी एंड सिनोगैमी। ये तीनों टाइप है, तो ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ ऑटोगैमी मींस सेल्फ। फर्स्ट टाइप क्या है इसका, ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन मींस क्या होता है, ऑटो मींस सेल्फ है, गैमी मींस गैमेट्स, ऑटो मींस सेल्फ एंड गैमी मींस गैमेट्स, ऑटो मींस सेल्फ एंड गैमी मींस गैमेट, यानी कि सेल्फ गैमेट, सेल्फ पॉलिनेशन, गैमेट्स में पॉलिनेशन होता है। तो यहां पे देखो, अगर यहां पे स्टिग्मा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने स्टिग्मा निकाल लेते हैं, ठीक है, बार बार हम स्टिग्मा ही निकाल रहे हैं, यहाँ पे स्टिग्मा निकाल लेते हैं, और यहाँ पे होगा आपका एंथर, ठीक है, ऐसे एंथर के स्ट्रक्चर है कि आपने, ये राउथली डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पे एंथर का स्ट्रक्चर है, इस एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन है। तो यहाँ पे देखो ऑटोगैमी में सेल्फ पॉलिनेशन है, तो यहाँ पे जो एंथर है, एक ही फ्लावर है, प्लांट को फ्लावर मेल यानी कि बायसेक्सुअली फ्लावर है, कौन सा है, बायसेक्सुअली फ्लावर, यानी कि दोनों भी सेक्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, दिस वन इज एंड्रोशियम एंड दिस वन इज द गाइनोशियम। तो यहाँ पे जो एंथर के ऊपर पोलन ग्रेन है वो सेम एक ही फ्लावर है, तो यहाँ के जो फ्लावर पोलन ग्रेन है सिर्फ उसी फ्लावर में जो स्टिग्मा है उसी के ऊपर रहेगा। तो फर्स्ट एक रिसीव, जब स्टिग्मा रिसीव करेगा, बाद में सेकंड एक क्लोज करेगा, ठीक है, क्लोज रहेगा, उसके बाद एक मैच्यूरेशन होती है, एक मैच्यूरेशन की स्टेज होती है, यानी कि ये जो एंथर है वो स्टिग्मा रिसीव तो कर लेगा, ठीक है, रिसीव करने के बाद ये क्लोज हो जाएगी, लेकिन अगर ये मैच्योरिटी की स्टेज है, एंथर जब मैच्योर होगा तभी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन स्टार्ट होगा, अदरवाइज ये मैच्योर नहीं होगा तो वो वहीं पे डाई हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर मेल गैमेट्स नहीं होंगे, वो मैच्योर नहीं होगा तो, ठीक है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, वो मैच्योर नहीं रहेगा। तो सेम फ्लावर के अगर पोलन ग्रेन है, एक ही फ्लावर की, यानी कि एक फ्लावर है उसी के पोलन ग्रेन है उसी में स्टिग्मा है, तो दैट इज द सेल्फ पॉलिनेशन, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन होता है। अगर क्रॉस पॉलिनेशन है तो यहाँ पे एक फ्लावर है, सेकंड दूसरे प्लांट में एक फ्लावर है, सेम ही फ्लावर है लेकिन एक दो प्लांट्स होंगे, सेम फॉर एग्जांपल यहाँ पे रोज का फ्लावर है, यहाँ पे रोज का फ्लावर है, यहाँ पे रोज का फ्लावर है, लेकिन अगर हम हिबिस्कस का लेते हैं, यहाँ पे भी हिबिस्कस का फ्लावर है, यहाँ पे हिबिस्कस का प्लांट है, वहाँ पे भी, लेकिन इस हिबिस्कस के पोलन ग्रेन अगर दूसरे प्लांट के हिबिस्कस के फ्लावर में जाते हैं तो वो होता है क्रॉस पॉलिनेशन, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, सेल्फ पॉलिनेशन मींस एक ही फ्लावर है, वहीं पे पोलन ग्रेन है, वहीं पे स्टिग्मा है, वो होता है ऑटोगैमी यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन, इजंट इट। तो सेल्फ पॉलिनेशन में और टाइप्स है, सेल्फ पॉलिनेशन में और टाइप्स है, लेकिन ये बायोटिक एजेंट अबायोटिक एजेंट ये किसके थ्रू होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है टी प्लांट, तो अबायोटिक नेचर, लेकिन यहाँ पे अगर एंथर के ऊपर कोई इंसेक्ट बैठा होगा तो वो लेके जाएगा पोलन ग्रेन, ठीक है, तो ये होता है सेल्फ पॉलिनेशन। इसका और टाइप है सेल्फ पॉलिनेशन में, और थोड़ा सा टॉपिक है, तो हम वो टॉपिक नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। तो वो सेल्फ पॉलिनेशन, जिनेटोगमी एंड जीनोगमी, तीनों भी टाइप अपने को वन बाय वन पढ़ना है, तो आप अच्छे से समझिए। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियोज एंड वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, एंड इसको सब्सक्राइब कीजिए, आपको जो इसमें से आपको अच्छा लगे वो आप दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।